इत्तेफाक से जो गुफ्तगू हम दो दिन से कर रहे थे और इस मौजू पर रिपीट भी करना था, वो खिबला काबा ने बेहतरीन तरीके से अपने अशार में बयान की। अगर आपने तवज्जो की हो कि आजादारी एक अहम तरीन चीज है, उसकी जानिब तवज्जो हो, इख्तलाफ से बचा जाए। और जुमला हमेशा कहते हैं कि हम अगर आजादारी में इख्तलाफ कर रहे हैं तो वो इमाम हुसैन की नहीं है, वो शायद हमारे घर का कोई अपना प्राइवेट फंक्शन है। क्योंकि मेरी मजलिस और तेरी मजलिस, इसका मतलब है ये इमाम हुसैन की नहीं है। इमाम हुसैन की अगर मजलिस हो, किसी के घर में भी क्यों ना हो, वो इमाम हुसैन की है। उसे डिस्टर्ब करना इमाम हुसैन की बारगाह अकदस में तौहीन के मुतरादिफ है, किसी के घर में भी। ना कोई मजलिस छोटी होती है, ना कोई मजलिस बड़ी होती है। बिरयानी से मजलिस बड़ी नहीं होती, तिल के लड्डू और नमक पारों से और चनों से छोटी नहीं होती। 20 आदमियों से मजलिस छोटी नहीं होती, 20,000 आदमियों से मजलिस बड़ी नहीं होती। ये इश्क की वादी है, क्योंकि इमाम हुसैन का ये मार्का ए करबला दर हकीकत मार्फत इश्क और इश्क खुदा का जलवा। और हकीकत यह है कि इमाम हुसैन से जो राबता होना चाहिए कि खुदावंद तबारक व तआला वो हमें तौफीक अता फरमाए हम सबको कि वो इश्क का राबता हो, इश्क की वादी में हो हम। और फिर जब इश्क का मामला होता है तो इंसान सब कुछ फरामोश कर देता है उसके लिए कि जिससे इश्क होता है।